नमस्कार दोस्तों, गरिमा यस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ब्रिक्स क्या है, इसको हम लोग समझेंगे, और ब्रिक्स के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, और यह किन किन क्षेत्रों में काम करता है, इन्हीं सारे मुद्दों पर हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का जो पेपर 2 है, GS पेपर 2, जिसमें कि हमको अंतर्राष्ट्रीय संगठन पढ़ना है, उससे यह संबंधित हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एक, और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, इतना तो ज़रूर कीजिएगा। आइए अब हम बात करते हैं कि यह चर्चा में क्यों है ब्रिक्स। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों है, उसके बाद हम देखेंगे कि ब्रिक्स की शुरुआत कब हुई थी, और ब्रिक्स के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, इन सारी चीज़ों को आगे चल के देखेंगे। यह अभी वर्तमान में चर्चा में क्यों है, थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं, पहला पॉइंट देख लेते हैं। केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री CR चौधरी, यही हैं केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री, या केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर लिख लीजिए, आप याद रखिएगा, ये राज्य मंत्री हैं। ठीक है, एक केंद्रीय मंत्री होता है आपको कैबिनेट का, और एक राज्य का, तो ये राज्य मंत्री हैं CR चौधरी। CR का फुल फॉर्म जो है छोटू राम है। फ्रेंड्स, छोटू राम चौधरी दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में एक जोहान्सबर्ग जगह है, वहीं पर क्या किया है, 4 व 5 जुलाई को 2018, अर्थात आगामी जो 4 और 5 जुलाई जो आने वाला है, आज तो 3 है, यानी कल और परसों को होने वाले 2 दिवसीय ब्रिक्स सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए रवाना हुए हैं। अर्थात इसका जो ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किया गया है जोहान्सबर्ग में, और वहीं पे भारत के उद्योग मंत्री, वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री CR चौधरी जो है प्रतिनिधित्व करने के लिए जोहान्सबर्ग गए हुए हैं। अब आइए हम बात करते हैं कि इस सम्मेलन में गए हुए हैं तो इससे संबंधित कौन कौन सी चीज़ें निकल करके सामने आ रही हैं, थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं। इस सम्मेलन में ब्रिक्स देश के अंतर्गत, फ्रेंड्स ब्रिक्स देश दरअसल एक संगठन है, अब हम आगे बात करेंगे कैसा संगठन है। ब्रिक्स देशों ब्राजील, ब्रिक्स का अंतर्गत BRICS आता है, तो बी का मतलब ब्राजील, आर का मतलब रसिया, आई का मतलब इंडिया, सी का मतलब चाइना, और एस का मतलब साउथ अफ्रीका। तो 5 देश जो हैं शामिल हैं, वही यहाँ पर लिखे हैं, ब्राजील, रूस, भारत, चीन व दक्षिण अफ्रीका। अर्थात इस सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के व्यापार व उद्योग मंत्री भाग ले रहे हैं। यह जो सम्मेलन हो रहा है आपको जोहान्सबर्ग में, दक्षिण अफ्रीका के, वहाँ पर ब्रिक्स देश के जो ये 5 देश हैं, सभी देशों के व्यापार व वाणिज्य मंत्री जो है वहाँ पर भाग ले रहे हैं। जिस प्रकार से भारत के केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, उद्योग राज्य मंत्री गए हुए हैं। ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों के सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य जो है, इस ब्रिक्स व्यापार मंत्री जो जा रहे हैं, इनका सम्मेलन जो हो रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य है भविष्य में उद्योगों के विकास के फलस्वरूप, भविष्य में क्या किया जाए, तो उद्योगों का कैसे विकास हो, और इनके विकास के फलस्वरूप रोजगार सृजन के संभावनाओं के बारे में विचार करना, अर्थात कैसे रोजगार को जो है उत्पादित किया जा सके, रोजगार उत्पन्न किए जा सके, ताकि लोगों को रोजगार दिया जाए, विकास जो है अच्छे तरीके से होए, लोगों को रोजगार मिलेगा, आय के साधन मिलेंगे, आय मिलेगा तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकता का पूर्ति कर पाएंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य, हेल्थ सुविधा बढ़ेगी। ठीक है, तो इन चीज़ों के चलते उनका जीवन स्तर बढ़ेगा, तो वह देश जो है विकास की ओर अग्रसर होता है, इसी को तो विकास कहते हैं। अब आइए बात करते हैं ब्रिक्स व्यापार वाणिज्य मंत्रियों के सम्मेलन का उप उद्देश्य क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं, इस पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। चौथी औद्योगिक क्रांति, यहाँ पर चौथी औद्योगिक क्रांति का मतलब क्या है फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको 2-3 दिन पहले एक वीडियो बताया हुआ था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता को लेकर के, तो वही जो है चौथी औद्योगिक क्रांति है। औद्योगिक क्रांति का मतलब क्या होता है कि पुरानी परंपरागत तरीके से किए जाने वाले कामों को छोड़ करके नए नए मशीनों के साथ काम किया जाना, जैसे कि पहली औद्योगिक क्रांति के दौरान फ्रेंड्स सबसे पहले भाप इंजन बना था, जब हम लोग औद्योगिक क्रांति की ओर अग्रसर हो रहे थे तो सबसे पहले भाप इंजन बना था। भाप इंजन के चलते माल जो है एक जगह से दूसरे जगह ले जाना काफ़ी आसान हो गया। दूसरा जो था हमारा, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनने लगी, मशीन से उत्पादित किए जाने लगी वस्तुएं, पहले जो है मानव श्रम द्वारा की जाती थी, बहुत बड़े बड़े कंपनियों में बहुत से लोग वर्कर काम करते थे, मजदूर काम करते थे, तब जाकर उत्पादन होता था। लेकिन अब उन सारे मजदूरों की जगह पर एक मशीन ही पूरा उत्पादन कर देता था, तो कहीं ना कहीं उनका जो है रोजगार छीन जाता था। ठीक है, यह तो थी दूसरी क्रांति। तीसरी क्रांति कंप्यूटर आया,
उसको तृतीय क्रांति कहते हैं, और चतुर्थ क्रांति जो है फ्रेंड्स ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। तो इसीलिए यहाँ पर चौथी औद्योगिक क्रांति जिसमें कि सारा का सारा चीज़ रोबोट करेगा ऐसा अनुमान लगाया जाता है। तो रोबोट के ज़माना में अगर आप पुराने तौर तरीकों को अपना कर काम करेंगे तो चलेगा नहीं। अब कितना दिन तक प्राचीन चीज़ों को रखेंगे, बदलते परिवेश अब बदलते आपको जमाने के अनुसार बदलना होगा, नहीं तो हम लोग अपडेट नहीं रह पाएंगे तो काफ़ी दिक्कतों का सामना मुश्किल करना पड़ेगा, हम लोगों का वह जमाना नहीं रह जाएगा। तो वही है चौथी औद्योगिक क्रांति के तहत भविष्य में बेरोजगारी के समस्या के समाधान के लिए नवीन रोजगार स्रोतों की खोज और पहचान करना। आप देख रहे हैं तकनीक इस तरीके से बढ़ रही है इस कदर, लेकिन बहुत सारे अभी देश हैं वहाँ के शिक्षा प्रणाली में पुराने तौर तरीकों को अपनाया है। भारत की भी अगर शिक्षा प्रणाली को देखा जाए तो कुछ ऐसा ही है, पुराने पुराने चीज़ों को दिखाया जाता है और आर्ट्स सब्जेक्ट के प्रति रुझान है, साइंस में पढ़ाया जाता है, लेकिन साइंस में भी क्या करे उतना जो रोजगार की संभावना है इसमें भी नहीं उत्पन्न हो रही है, केवल डिग्री लोग ले ले रहे हैं लेकिन उसके बाद स्किल नहीं है। तो स्किल ज़्यादा होना जरूरी है, ठीक है, आउटपुट जो है निकाले। तो यहीं पे देख लीजिए समस्या के समाधान के लिए नवीन रोजगार स्रोतों की पहचान करना, नए नए रोजगार के कौन कौन से स्रोत हैं और उनकी खोज करना, कौन कौन से क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं बनते हैं और उसकी पहचान करना। और अगला पॉइंट की देख लेते हैं, तो व्यापार वाणिज्य उद्योगों की स्थापना के लिए बढ़ावा देना, लोग जो है व्यापार वाणिज्य उद्योग की स्थापना के लिए बढ़ावा दें। यहाँ पर देखा जाए फ्रेंड्स भारत में तो ऐसा है कि सारा लोग जो है अभी पूरा का पूरा अधिकांश लोग एजुकेशन सिस्टम से ही सरकार से ही नौकरी लेने के लिए चाहते हैं, अर्थात पास होकर के एग्ज़ाम क्वालिफाई करके वो चाहते हैं कि सरकारी नौकरी करें। लेकिन सर ऐसा जो है दुनिया बदल रही है काफ़ी तेज़ी से, यह मानसिकता जो है बदलनी पड़ेगी सरकारी नौकरी को लेकर के, खुद से अपना काम करना पड़ेगा। अब आइए बात करते हैं ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं। BRICS इसी को ब्रिक्स कहते हैं, अर्थात ब्राजील, रूस, भारत, चीन व दक्षिण अफ्रीका जैसे विश्व के 5 देशों का संगठन है। यह एक संगठन है ठीक है, जिन्हें विश्व की उभरती आर्थिक शक्तियों की संज्ञा दी जाती है। यह विश्व की कहा जाता है कि आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है, पूरे देशों को मिलाकर के हम लोग देखेंगे कि इसका ब्रिक्स का विश्व के पूरा जनसंख्या में कितना जनसंख्या यहाँ निवास करता है, विश्व के कुल जीडीपी में इसका भाग कितना है, यह भी हम देखने का प्रयास करेंगे। इसकी स्थापना देखते हैं फ्रेंड 2006 में हुआ था 4 देशों द्वारा, उस समय साउथ अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका नहीं था, जिसमें कि ब्राजील, रूस, भारत और चीन था ठीक है। 2006 में 4 देशों द्वारा इसकी स्थापना की गई ब्रिक्स की, तब तो इसका नाम जो था ब्रिक था ठीक है, ब्रिक के नाम से इसको पुकारा जाता था। लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका को शामिल किया गया तब इसका नाम जो बदल करके ब्रिक्स हो गया, लास्ट में एस जुट गया ठीक है, यानी साउथ अफ्रीका। और इसका पहला शिखर सम्मेलन जो हुआ फ्रेंड्स 2009 में हुआ, याद रखिएगा पहला शिखर सम्मेलन जो हुआ था 2009 में हुआ था। शिखर सम्मेलन कहने का मतलब जब इसकी सम्मेलन होगा बैठक होगा तो इसमें प्रत्येक देश के शीर्ष अधिकारी जो है वो सम्मेलन में भाग लेंगे, जैसे भारत का प्रधानमंत्री ठीक है, तो इसलिए राष्ट्राध्यक्ष भाग लेते हैं। तो 2009 में हुआ था, इससे पहले 2016 में आपको बता दें फ्रेंड्स भारत में हुआ था ब्रिक्स सम्मेलन। ब्रिक्स सम्मेलन 2016 में जो गोवा में आयोजित किया गया था, हर साल होता है लेकिन भारत में जो है 2016 में आयोजित किया गया था। अब आइए बात करते हैं ब्रिक्स की कुल जनसंख्या के बारे में। ब्रिक्स की कुल जनसंख्या जो है फ्रेंड्स 3.6 अरब, अर्थात विश्व की कुल जनसंख्या का 40% है। सोच लीजिए केवल भारत का जनसंख्या ही 1 अरब 25 से 30 करोड़ के लगभग है, 30 करोड़ अब मान के चलिए, तो 1.25 अरब से ज़्यादा जो है आपको भारत की जनसंख्या है ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद में इसकी हिस्सेदारी है, पूरे विश्व की जीडीपी में इसका जो है 16.6 ट्रिलियन डॉलर इसका जीडीपी है, विश्व के कुल जीडीपी का 22% है ठीक है, विश्व के कुल जीडीपी का जो है यह 22% है। हालांकि विश्व की अभी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है ऐसा अमेरिका ही है फ्रेंड्स, उसके बाद यूरोपीय यूनियन आता है, उसके बाद इसी का स्थान है ठीक है ब्रिक्स का। अब आइए ब्रिक्स के रिपोर्ट क्या कहता है थोड़ा सा हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। ब्रिक्स के रिपोर्ट के अनुसार ब्रिक्स का कहना है, वो अपने रिपोर्ट में बताता है कि चीन तथा भारत जो है वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन में विश्व के सबसे बड़े निर्माता के रूप में उभर रहे हैं ठीक है, सबसे बड़ा निर्माता के रूप में किसी भी चीज़ को उत्पादित करने में, प्रोडक्शन करने में, अच्छा सेवा को देने में ठीक है। जबकि रूस व ब्राजील जो है विश्व के कच्चे माल के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता के रूप में उभर रहे हैं, रूस और ब्राजील जो है विश्व को कौन कौन सी कच्चे माल की जरूरत है सबसे ज्यादा वही पूर्ति कर रहा है, तो ये दोनों जो है उभर रहे हैं अर्थव्यवस्था के तौर पर, एक तो बनाने वाला है और दूसरा जो है कच्चे माल देने वाला ठीक है। तो ये दोनों मिलकर के ऐसा अनुमान लगाया जाता है फ्रेंड्स कि 2050 तक, आने वाले 2050 तक ये विश्व के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शुमार हो जाएंगे।
ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा ब्रिक्स, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि अभी तो अमेरिका है और दूसरे स्थान पर जो है आपको दूसरे स्थान पर यूरोपीय यूनियन है, ठीक है, यूरोपीय संघ। फ्रेंड्स इतना ही था ब्रिक्स के बारे में, आप लोगों को मैंने बता दिया। और फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा। आपको अगर भारतीय भूगोल, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय इतिहास, जीव विज्ञान, पर्यावरण और पारिस्थितिकी की वीडियो देखनी हो तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।